अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम हामिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल विद इरम हामिद। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, सबसे पहले तो उसका फ़ाइनल लुक देख लीजिए। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और मोस्ट वांटेड रेसिपीज़ जो होती है ना बकरा ईद पे, उनमें से एक है। ये है फ्राई बीफ। इसके बीफ की जगह आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये बीफ से बनाया है तो इसलिए इसका नाम फ्राई बीफ और या भुना हुआ गोश्त रखा है। चलें अब चलते हैं रेसिपी की जानिब और सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो गोश्त है, गाय का गोश्त, बीफ मीट है, हड्डी गोश्त सब मिक्स है इसमें, हड्डी वाला गोश्त है। अब इसमें जो है वो मैं एक ग्लास पानी डाल रही हूँ, ये स्टील का ग्लास मेरे पास पानी है, ये इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। एक ग्लास पानी डाल के इसे चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ ताकि ये जब तक बॉईल होना शुरू हो जाए, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ और इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ कि कौन कौन से इसमें मज़ीद डलेंगे। जी डियर रिव्यूअर्स, मसालों में जा रहा है हल्दी, टर्मेरिक पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून है पिसी हुई लाल मिर्चें, रेड चिली पाउडर, यह है क्रश रेड चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, नमक है हसबे पसंद हसबे जायका जो आपकी मर्ज़ी हो, क्रश कोरिएंडर यानी के कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच के करीब है ये भी, और आधी चमची के करीब ये ज़ीरा है साबुत सफ़ेद। जी फ्रेंड्स, मसालों के बाद ये वेजिटेबल्स में जा रहे हैं टमाटर, 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं, प्याज है ये भी 2 छोटे साइज़ के लिए है, मैंने ज़्यादा इसमें टमाटर और प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा तो वरना ये फिर फ्राई गोश्त जैसा नहीं बनेगा। फ्राई गोश्त या जिसे आप कहते हैं भुना हुआ गोश्त, तो फिर ये मसाला ज़्यादा होने से वो ग्रेवी जैसा ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो अजीब सा हो जाएगा। और ये 1.5 चम्मच के करीब जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है, थोड़ा सा मैंने मोटा बल्कि कूटा है इसको जानबूझ के, ताकि ये थोड़ा सा अभी फ्लेवर अच्छा इसका आता है, ज़्यादा गोश्त के साथ अभी पकेगा काफ़ी टाइम लगेगा तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगा उसमें। गोश्त को फ्राई करने के लिए हमें चाहिए तेल, ये मैंने आधी प्याली जितना तेल ले लिया है, गाय का गोश्त है उसमें अपना भी जो फैट है वो भी थोड़ा सा ऑयल छोड़ेगा तो थोड़ा कम ही तेल लिया है मैंने। ये साबुत गर्म मसाला है, एक देखें बड़ा तेज़पत्ता है, 2 दालचीनी के छोटे स्टिक्स हैं, 1/2 चमचे के करीब सफ़ेद ज़ीरा है और 1/2 चमची के करीब ही ये 10 से 12 काली मिर्चें हैं साबुत, और ऊपर से डालने के लिए ये गर्म मसाला पाउडर है, 1 चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, ये मैं आखिर में ऐड करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये मैंने एक ग्लास बड़ा जो था स्टील का वो पानी लेकर गोश्त में डालकर इसको बलने के लिए चढ़ाया था आपके सामने। अब ये जो इसमें आ गया है ना ये झाग टाइप, ये इसको मैं निकाल दूँगी बाहर। जी फ्रेंड्स, झाग रिमूव करने के बाद इसमें मैं ये प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक सब शामिल कर रही हूँ। वेजिटेबल्स के बाद ये जितने मैंने स्पाइस आपको दिखाए थे, पिसे हुए गरम मसाले, साबुत गरम मसाले और तेल के अलावा बाकी नमक, ज़ीरा, मिर्चें, हल्दी, धनिया सब मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं इतनी देर तक पकाऊँगी जब तक कि मेरा गोश्त जो है वो मेरी हसबे पसंद सॉफ्ट नहीं हो जाता। अगर आपको थोड़ा सख्त बोटियाँ पसंद है तो आप सख्त रख लें, वरना इसको सॉफ्ट करना है और इसका पानी ख़त्म कर देना है। यखनी मुझे नहीं चाहिए इसीलिए मैंने 1 ग्लास पानी डाला है ताकि इसी में ये गल जाए और इसी में ये पूरा सारा वेजिटेबल के साथ सॉफ्ट होने के बाद पानी भी ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे अपनी सब्सक्रिप्शन की सूरत में, कमेंट्स की सूरत में और लाइक्स की सूरत में भेज रहे हैं। इसी तरह मुझे अपने प्यार से नवाजते रहिए ताकि मैं इसी तरह आपके लिए बहुत हिम्मत के साथ और मोहब्बत के साथ प्यारी प्यारी रेसिपीज़ लेकर हाजिर होती रहूँ, क्योंकि आपकी ये मोहब्बत ही मेरी हिम्मत और ताकत है। जी व्यूअर्स, देखिए ये गोश्त को बॉईल आना शुरू हो गया है, जैसे ही इसको बॉईल आना शुरू हुआ मैंने इसे लो फ्लेम पे कर दिया है। अब मैं इसे उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि ये गोश्त ना गल जाए और ये यखनी जो है वो मेरी इसमें बिल्कुल सूख ना जाए, इस तरह हो जाए कि मसाला जो है वो बोटियों में लिपटा हुआ नज़र आए। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी और कम अज़ कम 40 से 45 मिनट्स इसे पकने दूंगी। जी डियर फ्रेंड्स, ये देखिए ये गोश्त का मसाला जो है वो बिल्कुल बोटियों के साथ लग गया है, अब मैं इसे फ्राई करूंगी। जी फ्रेंड्स, ये 2 चम्मच के करीब दही है, 2 टेबल स्पून के करीब ये जब हम गोश्त भूनेंगे तो उसमें डालेंगे, और साथ में ये हरी मिर्चें और धनिया है जो कि हम एंड में यूज़ करेंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम गोश्त भूनने के लिए, बीफ को फ्राई करने के लिए ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ऑयल को मैं इसमें डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा पकने दूँगी।
जी फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा जो ऑयल है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये जो साबित गरम मसाला था ये डालकर एक सेकंड के लिए कड़कड़ा लूँगी और फिर इसमें गोश्त को ऐड कर दूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये ऑयल में जो खड़ा साबुत गरम मसाला था वो हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी और मैंने आँच बिल्कुल स्लो कर दी है वरना ये छींटे ऑयल के आपके ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा इसका ख्याल रखिएगा। इस तरह से गोश्त को मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे हाई फ्लेम पे भून लूँगी। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पर मैं दही ऐड कर दूँगी, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैं क्या करूँगी, उस वक्त तक इसे पकाऊँगी जब तक ये दही का पानी सूख नहीं जाता टोटल। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये मेरा भुना गोश्त तैयार है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसे थोड़ा सा लो फ्लेम पे करके इसमें पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट, ये देखें ये पिसा गरम मसाला है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ऐड किया है, बहुत मज़े का लगता है इसमें फ्लेवर। ये देखें ये हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ा सा धनिया जो है वो मैं डेकोरेशन के लिए बचा लूँगी, इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा। अब मैं इसे थोड़ा सा चला के और 2 से 3 मिनट बस, बिल्कुल रेडी है ये। बस ये जो है वो गर्म मसाले का जायका इसमें अच्छी तरीके से आ जाए उसके लिए मैं इसे 2-3 सेकंड के लिए छोड़ दूँगी। जी देखिए ये मेरा भुना गोश्त रेडी है, अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए ये मेरा भुना गोश्त तैयार है। फ्राई बीफ की रेसिपी ये बहुत आसान है, इतनी मज़े की है कि जब आप बनाएंगे तो आप वाकई कहेंगे कि ये तो बस ऐसी है कि बार बार ट्राई की जाए। ये देखिए डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ यूज़ कर रही हूँ। रेसिपी के अख्ताम पे आपसे यही कहना चाहूँगी कि रेसिपीज अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिए। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके और मेरे दस्तौर खान को इसी तरह वसी और कुशादा रखे, मुझ पर और आप पर अपना करम बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।